एंड फाइनली वो दिन आ गया है जब Redmi Note 8 Pro को आपको Android 11 की MIUI 12.5 की अपडेट मिलना शुरू हो चुकी है। यहाँ पे मैंने इसमें डाली है MIUI 12.5 जो कि चाइना स्टेबल आपको फिलहाल के लिए देखने को मिलती है, लेकिन यार Android 11 बेस्ड है। फोन लॉन्च हुआ था Android 9 पाई पे, उसके बाद Android 10 का अपडेट मिला एंड अब यहाँ पे धीरे धीरे आपको Android 11 का अपडेट भी देखने के लिए मिल जाएगा। वीडियो को एंड तक देखना, आपको बताऊंगा क्या इस अपडेट में आपको देखने के लिए मिलता है, कब ये इंडिया के अंदर भी आ सकती है, साथ ही साथ आपको क्या क्या फीचर्स जो है वो देखने के लिए इसके अंदर मिलेंगे, उसके अलावा कैसे आप इसको इंस्टॉल कर पाओगे, सब चीज बताऊंगा। तो उससे पहले भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि मुझे पता है आपने नहीं किया है क्योंकि यूट्यूब मुझे दिखा रहा है आपने नहीं किया है, तो प्लीज है वो रेड कलर वाला बटन जो दिख रहा है ना उसको जरूर से दबा देना। बिना टाइम हुआ वीडियो को शुरू करते हैं, आपको दिखाता हूँ इसके कुछ फीचर्स वगैरह जो कि आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे सेटिंग्स में दिखा देता हूँ, तो अबाउट फोन में माई डिवाइस में चलेंगे तो देख पाओगे MIUI 12.5.1 देखने को मिलेगा। अगर और स्पेक्स में चलेंगे तो यहाँ पे आप देख पाओगे Android 11 यहाँ पे फाइनली आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने के लिए मिलती है और ये का काफ़ी सही चीज़ है। बाकी उसके अलावा अगर हम नीचे आए तो यहाँ पे आप लेटेस्ट 0501 का एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच को भी देख पाओगे और ये चाइनीज़ वर्जन है तो CN यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। बैक आए तो यहाँ पे अगर आप ऐसे विजुअली बात करोगे तो एज सच आपको कोई ज़्यादा मेजर चेंज नहीं देखने को मिलेगा। अब देखो ये चाइनीज़ वर्जन है तो कुछ फीचर्स इसके जो है वो ग्लोबल में कभी नहीं आएंगे और जितना स्मूथ भी ये हो सकती है उतना ग्लोबल में या इंडियन रोम में कभी नहीं होगा। सबसे पहले बात कर लें कंट्रोल सेंटर की, तो इस तरीके से देखने को मिलता है, ये हमने देखा है इंडियन रोम में भी सिमिलर आपको देखने को मिलता है। स्वाइप डाउन करोगे तो यहाँ पे जो आपको ब्राइटनेस स्लाइडर है वो नीचे ही रह जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऊपर डेटा वाला बार आपको देखने के लिए मिलता है जो कि टाइल्स आप यहाँ पे देख सकते हो और इस तरीके से आपको ये टाइल्स का सपोर्ट मिलता है। एंड इधर लेफ्ट या राइट स्वाइप करोगे तो आपको यहाँ पे चेंज होने का ऑप्शन भी मिलता है नोटिफिकेशन से कंट्रोल सेंटर में जाने का, और यहाँ पे आपको अन इंपॉर्टेंट करके ग्रुप कैटेगराइज करके यहाँ पे करने का भी ऑप्शन नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाता है, इस तरीके का यहाँ पे रहता है। बाकी उसके अलावा अगर मैं सेटिंग्स में चलूँ और यहाँ पे अगर सिम कार्ड स्टोरेज में दिखा दूँ तो यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। बाकी कनेक्शन शेयरिंग में आपको इस तरीके का पूरा सिस्टम देखने को मिलता है जिसमें मी शेयर वगैरह आपको इस तरीके का पूरा दिखाता है जहाँ पे आप कौन कौन से डिवाइस के साथ शेयर कर सकते हो ये लिखा हुआ है। हालांकि ये जो ग्लोबल वेरिएंट है उसमें ये सब चीज़ आपको यहाँ से गायब हो जाएगी, हालांकि वर्क सबके साथ करता है, ओप्पो वीवो रियलमी आईक्यू सबके साथ वन प्लस मी शेयर सब में वर्क करता हुआ आपको मिलेगा, एक काफ़ी अच्छा आई थिंक यार बहुत फास्ट यहाँ पर ट्रांसफर होता है। बाकी उसके अलावा नीचे आ जाए वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन मिलेगा जो कि मैं चाह रहा था कि यार ग्लोबल या इंडियन वेरिएंट में आएगा, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे इंडियन वेरिएंट में तो फिलहाल आई डोंट थिंक ये आने वाली है क्योंकि Redmi Note 10 सीरीज को जो MIUI 12.5 की अपडेट आई है उसके अंदर भी ये नहीं था। यहाँ पे आप डायरेक्टली देख सकते हो कि आपकी लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन में क्या वॉलपेपर है, क्लॉक वर्जन कौन सा है, आप यहाँ पे क्लॉक स्टाइल को चेंज कर सकते हो, आइकन्स वगैरह को आपको यहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा, आइकन साइज छोटा बड़ा आपको करने का मिलता है, फॉन्ट्स वगैरह चेंज करने का एंड ऑफ कोर्स वॉलपेपर का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन एज ऑलवेज इसके अंदर आपको सुपर वॉलपेपर नहीं मिलेगा क्योंकि यार वो सिर्फ लिमिटेड है हाई एंड डिवाइसेस के लिए जिसमें 800 सीरीज के प्रोसेसर वगैरह आएंगे। बाकी ये रिंगटोन्स वगैरह आपको मिल जाती है जो कि थोड़े बहुत नए तरीके की आपको मिलेगी, जैज इलेक्ट्रॉनिक वगैरह, नोटिफिकेशन की ट्यून आपको नई नई मिलती है जैसे सवाना और फॉरेस्ट नेचर मिक्स, ये सब आपको अलग अलग देखने को मिल जाता है। एंड अलार्म्स की भी रिंगटोन मिलेगी, वेदर अलार्म नेचर अलार्म, काफ़ी अच्छी अच्छी यार ये रिंगटोन है, बहुत ही अच्छी यहाँ पे MIUI में रिंगटोन्स वगैरह मिलती है। बाकी लॉक स्क्रीन में तो आपको ऐसा कोई चेंज नहीं मिलेगा। एंड अगर डिस्प्ले में आएंगे तो वही सिमिलर डार्क मोड एंड लाइट मोड में स्विच करने वाला आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, कोई अलग नहीं है, फॉन्ट सेटिंग और वो भी सब सिमिलर मिलती है। साउंड एंड वाइब्रेशन में आएंगे क्योंकि यहाँ पे यार एंड्रॉयड 11 है तो इसमें भी आपको थोड़ी बहुत चीज़ें अलग देखने को मिलेगी, जैसे ये साउंड असिस्टेंट है यानी आप अलग अलग ऐप के लिए अलग अलग साउंड को कम ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हो, उसका ऑप्शन आपको इसके अंदर पूरी तरीके से देखने को मिल जाता है मल्टीपल ऑडियो सोर्स को चेंज करने का। बाकी कुछ और ऑप्शन देखने को मिलेंगे जैसे कि आप नोटिफाई अबाउट कॉल्स वगैरह का यहाँ पे मिलता है, ये प्रोफाइल वीडियो फॉर इनकमिंग कॉल का ऑप्शन कभी आपके ग्लोबल में नहीं आने वाला है और ये साउंड इफेक्ट्स वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी थोड़ा सा नीचे आएंगे तो नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर यहाँ पे अब आपका शिफ्ट हो गया है, कंट्रोल सेंटर स्टाइल को आप चेंज कर सकते हो, पुराने में रखना है या नए में रखना है उसका ऑप्शन मिलेगा, स्मार्ट होम लगाना है एंड स्वाइप डाउन करने के बाद लॉक स्क्रीन में अगर आपको नोटिफिकेशन से कंट्रोल सेंटर शो करना है कि नहीं शो करना है एंड स्टेटस बार में आपको क्या क्या शो करना है उसका ऑप्शन यहां पे देखने को मिल जाएगा। बाकी अब यहां पे आ जाते हैं तो ये होम स्क्रीन की सेटिंग मिलेगी जिसमें आप यहां पे एवोल्ट वगैरह या एड्रॉड चाहिए कि नहीं चाहिए उसकी ऑप्शन है एंड होम स्क्रीन में सर्च बार ये जो आपके ग्लोबल वर्जन में नहीं आएगा एंड सिस्टम नेविगेशन गेस्चर्स का भी ऑप्शन आपको यहीं पर मिल जाता है जिसमें आपको नीचे नेविगेशन गेस्चर्स भी मिलते हैं और स्मूथली स्विच होते हैं यहां पे, ये देख सकते हो आप कितनी सही से होते हैं, वो चीज़ आपको मिल जाती है। बाकी नीचे आपको आइकन्स एडजस्ट करने का भी ऑप्शन यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था मिल जाता है एंड आपको रिसेंट में हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल चाहिए उसका भी ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ये चीज़ भी आप यहाँ से कर सकते हो।
बाकी आप नीचे आओगे पासवर्ड एंड प्राइवेसी वगैरह का ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि हमने नॉर्मली पहले देखा है वही है। प्राइवेसी प्रोटेक्शन यहाँ पे ये चाइनीज रोम वाला देखने को मिलता है जो कि सबसे बेस्ट है, मतलब यार मैं कह सकता हूँ काफ़ी अच्छा पूरा आपको ऐप बिहेवियर दिखाता है कि कौन कौन से ऐप ने देखोगे ऑटोमेटिक स्टार्ट लिया है, किसने क्या चीज़ एक्सेस करी है आपकी, कौन से टाइम में, बैकग्राउंड में किसने क्या लिया है, कौन सी परमिशन अलाउ करी, कितने बजे करी, कितने टाइम करी है, वो सब चीज़ आपको इसके अंदर दिखाना है दिखाता है। लेकिन यार ये हमारे ग्लोबल या इंडियन वर्जन में नहीं आने वाला है। बाकी उसके अलावा प्राइवेसी अवेयरनेस वगैरह का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आप यहाँ पे उसको भी ऑन कर सकते हो, रिसीव नोटिफिकेशन जब आपका कोई स्टेटस जैसे कि कोई लोकेशन रिकॉर्ड करता है, कोई ऑडियो और फोटोज वगैरह लेता है, तो उसको ऊपर छोटा सा आपको आइकन दिखाता है। और उसके अलावा बैटरी वगैरह का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा जो कि हमने देखा है MIUI 12.5 में, वही आपको पुराना देखने को मिलता है, कोई नया नहीं है। एप्स वगैरह का ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा, आप होम स्क्रीन शॉर्टकट को यहीं पे डायरेक्टली मैनेज कर सकते हो, हटा सकते हो। उसी के अलावा आपको यहाँ पे बटन शॉर्टकट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे जिसमें स्क्रीनशॉट वगैरह का आप ले सकते हो, वॉइस असिस्टेंट लॉन्च करने का ऑप्शन मिलता है। और यहाँ पे देखोगे ये मी AI असिस्टेंट आ गया है, बिल्कुल सिमिलर जैसे सीरी में आता है वैसा आपको इसका एनिमेशन भी देखने को मिलता है, मतलब पूरा ढापा हुआ है यहाँ पे। बस यहाँ पे ये है कि मैंड्रिन लैंग्वेज में ये वर्क करता है और किसी लैंग्वेज में वर्क नहीं करता है, तो ये भी आपको यार कभी ग्लोबल वगैरह में नहीं देखने को मिलने वाला है, तो इसको भी भूल जाओ। बाकी उसके अलावा एडिशनल सेटिंग मैंने आपको दिखाई दी है, एंड वॉलेट स्क्रीन टाइम आपको ये नॉर्मली देखने को मिलता है, हमने पहले भी देखा है। स्पेशल फीचर में गेम टर्बो, वीडियो टैबलेट, फ्लोटिंग विंडो, ऑल सब चीज़ यार जो हमने पुरानी देखी है वही है, कोई भी नया इसके अंदर आपको नहीं फीचर देखने को मिलेगा। अगर बात कर लें कैमरा की, तो वही आपको ओल्ड कैमरा देखने को मिलता है 64 मेगापिक्सल वाला सेटिंग्स वगैरह का। कैमरा क्वालिटी इतनी कोई खास नहीं है, वैसे ही डिसेंट सी आपको देखने को मिल जाती है। बाकी अगर मैं गैलरी में चलूँ और कुछ फोटोज़ वगैरह की बात करूँ, तो यहाँ पे एडिट में चलोगे तो नया इंटरफेस आपको गैलरी का ऑफकोर्स देखने को मिल जाएगा। कोई नया फीचर नहीं है, लेकिन आपको वही स्काई मोड और एडजस्ट करने के कुछ कुछ फीचर फंक्शन जो हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि परफेक्टली फाइन इसके अंदर वर्क कर रहे हैं। एल्बम्स वगैरह और रिकमेंडेड मोड आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। बाकी उसी के अलावा अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके का आपको एब्रॉड मिलेगा, कुछ भी नया इसके अंदर नहीं है, मैं क्या बताऊँ, कोई भी नई चीज़ नहीं मिलती है। बाकी एक अच्छी चीज़ है कि इसके अंदर आप जो भी सिस्टम ऐप्स हैं मोस्टली इनको अनइंस्टॉल कर सकते हो, जैसे ये कैलकुलेटर है, ऐप इन्फो में जाऊँगा और यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप इजीली इसको अनइंस्टॉल कर पाओगे। स्कैनर है, इसको अनइंस्टॉल कर सकते हो। स्क्रीन रिकॉर्डर है, इसको अनइंस्टॉल आप कर सकते हो। मैंने अनइंस्टॉल करके फिर से इन सबको इंस्टॉल कराया आपको दिखाने के लिए। बाकी कंपस है, मी रोमिंग, मी बूवर, ये सब एप्लीकेशन को आप अनइंस्टॉल कर सकते हो ईजिली इसके अंदर, ये आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, मतलब क्लीनर UI आपको ये देखने को मिलती है। अगर बात कर लें यहाँ पे यार कुछ ब्लोटवेयर जरूर देखने को मिलता है, आप उनको अनइंस्टॉल कर पाओगे। अगर बात कर ले एंटूटू स्कोर कितना देखने को मिलता है, तो यहाँ पे देख पाओगे 3 लाख के अराउंड एंटूटू स्कोर देखने के लिए मिलेगा। आई थिंक यार डिसेंट सा स्कोर मिल जाता है और अभी भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, ऐसा नहीं कहूँगा कि बेकार परफॉर्म करता है, लेकिन हाँ यार जितना मैंने अभी नोटिस किया है इसको इंस्टॉल करके, थोड़ा सा जिटर वगैरह इसके अंदर आने लगी है, थोड़ी सी लैगीनेस आपको देखने को मिलने लगी है, जैसे कि कंट्रोल सेंटर में कभी कभी देखने को मिल जाती है, कभी कभी आप मल्टीटास्किंग करो तो उसके अंदर थोड़ी बहुत देखने को मिल जाती है। मतलब यार एंड्रॉयड 10 जितना ये स्टेबल, इतना स्मूथ नहीं है जितना एंड्रॉयड आपको 10 के साथ ये देखने के लिए मिल रहा था MIUI, अब थोड़ा सा मुझे स्लोनेस इसके अंदर देखने के लिए मिलने लगी है। तो ये चीज़ ज़रूर से आप ध्यान रखना कि एंड्रॉयड 11 आने के बाद आपका फ़ोन थोड़ा सा स्लो ज़रूर से होने वाला है, वो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अगर बात कर लें बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया की, तो इसके अंदर स्मूथ और एक्सट्रीम का आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, अभी भी बैलेंस और अल्ट्रा का ही देखने को मिलता है, वही सिमिलर ऑप्शन मिलेगा, कोई इसमें चेंज नहीं आता है। थोड़ा सा गेम प्ले मैंने यहाँ पे ट्राई करा खेलने का और अच्छा स्मूथली प्ले हो रहा है जैसे पहले ही होता है, कोई ज़्यादा डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट आपको नहीं मिलेगा। हीटिंग वगैरह भी हल्की फुल्की जैसे यहाँ पे महसूस होती है वैसे ही आपको उस तरीके से होगी, तो ज़्यादा कोई आपको चेंज एज सच नहीं देखने को मिलेगा मेरे हिसाब से। तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि परफॉर्मेंस में थोड़ा सा डिग्रेड हुआ है, इतनी ज़्यादा अभी स्टेबल नहीं है। ऑफकोर्स ये फर्स्ट अपडेट है, तो मे बी धीरे धीरे चल के और भी बेटर हो जाए। बाकी उसी के अलावा अगर बात कर लूँ कैसे फ्लैश करना है, तो वही जैसे कि मैंने यार TWRP मेथड से आपको बताया था वैसे ही फ्लैश करना है। बस इसके अंदर आप मैनुअली जी एप्स को इंस्टॉल नहीं कर सकते, उसको भी आपको फ्लैश करना होगा TWRP की हेल्प से। तो आप फ्लैश कर लेना फ्लेम जी एप्स को कोर वर्जन, लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, TWRP में जाके फ्लैश करना। और इसी के अलावा आपको उसमें जो पैच फाइल है VVMeta की, वो भी वहीं पर TWRP से फ्लैश कर लेना। आपको कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट्स में बताना, और आप Redmi Note 8 Pro का जो ऑफिशियल ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये तो बात हो गई यहाँ पे यार फीचर्स वगैरह की, कैसे आप इंस्टॉल कर पाओगे अगर, एंड ओवरऑल अभी मैं बताऊँ ना, तो अभी जितना यूज़ किया है मुझे तो पर्सनली इतना स्मूथ नहीं लगी है एंड्रॉयड 11 बेस पे। एंड्रॉयड 10 वाली ऑफकोर्स मच स्मूदर लगी थी, क्योंकि यार यहाँ पे कंट्रोल पैनल वगैरह का भी आपको थोड़ा सा लगे स्लोनेस वाला जो है वो देखने को मिलता है, और कभी कभी यार स्क्रॉलिंग वगैरह में भी थोड़ी थोड़ी स्लोनेस मुझे देखने के लिए मिली है। मतलब जो सुपर डुपर स्मूथ, इससे ज़्यादा स्मूथ मैं कहूँगा MIUI 12.5 जो कि चाइनीज बीटा है, वो आपको देखने के लिए मिलती है एज कम्पेयर टू ये स्टेबल वर्जन, इतना मैं कह सकता हूँ। और अगर आप अभी फ्लैश करना चाहते हो, मैं कहूँगा यार रुक जाओ, अभी इतना ज़रूरी नहीं है फ्लैश करना, इतना वैसे भी आपने देखा है कुछ ज़्यादा ओवर द टॉप खास फीचर नहीं मिलते हैं। बाकी बात रही इंडिया के अंदर कब आएगा, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपको एक
से दो महीने के अंदर इंडिया के अंदर भी देखने को ये मिल जाएगा और एंड्रॉयड 11 बेस्ड ही आपको इंडिया में देखने को मिलेगा MIUI 12 Redmi Note 8 Pro में ऑफिशियली। आपको एक से दो महीना अभी और वेट करना होगा इसके लिए। मैं तो कहूँ यार वेट मत करो, एंड्रॉयड 10 पे जो आपका फ़ोन है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, इस पे आने के बाद आपकी स्मूथनेस जो है ऑफकोर्स फ़ोन की काफ़ी कम हो जाएगी। आई होप आपको वीडियो यहाँ पे थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो लाइक शेयर ज़रूर से कर दोगे, और अगर आपको उसको फ्लैश करना भी है तो डाउनलोड लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।